अभी राम जन्मभूमि वाले मुद्दे पे 5 अगस्त को जो भूमि पूजन होना है और फिर सबकी जली हुई है ये सोच के कि कैसे भी करके ये पूजा रोक दी जाए, भूमि पूजन रोक दिया जाए और माहौल ये बनाया जाए कि कोरोना का इतना पैंडेमिक है, मोदी जी को सिर्फ यही सूझ रहा है। अरे मोदी जी जब ऑलरेडी लगे हुए थे 10 कामों में, तब तो आपने अप्रिशिएट नहीं किया कि आपने कोरोना को रोकने के लिए इतनी मेहनत की, ठीक है। तब आपने नहीं नोटिस किया कि कोरोना के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। हर सरकार लगी हुई है, लेकिन अगर एक बार भी कहीं ना कहीं अगर कुछ मंदिर से रिलेटेड होता है, कुछ हिंदू से रिलेटेड होता है, बहुत लोगों को चुल मचती है। अब आप एग्जांपल ये देखिए कि अभी बीच में इन लोगों की नमाजें बंद नहीं हो रही थी मस्जिदों से, और कई मस्जिदों से लोगों को भगाया जा रहा था पकड़ पकड़ के। तब किसी ने, अपार्ट फ्रॉम बीजेपी, कि भैया मत करो कोरोना फैल जाएगा, क्योंकि ये लोग झुंड में कर रहे थे मस्जिदों में, छुप छुप के नमाज पढ़ रहे थे, पता नहीं क्या कंपल्शन है। और तब उन लोगों ने जो आज की डेट में भूमि पूजन पर रोक लगा रहे हैं और रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हाई कोर्ट ने नकार दिया है, प्ली रिजेक्ट कर दी है, कोर्ट ने किया है, इसको तो मानो, एटलीस्ट इसको दिल से एक्सेप्ट करो कि तुम अपनी बात कोर्ट तक लेकर किसी मीडिएटर ने रिजेक्ट कर दी। तो जब मस्जिदों से ये सब हो रहा था, तब तो इन लोगों ने उतनी वोकल होकर नहीं बोला, उतना क्रिटिसिज्म नहीं किया, एक बार भी कोई कोर्ट नहीं गया कि हमारे अपने लोगों के खिलाफ मैं कोर्ट जा रहा हूँ, कोई नहीं जाएगा, सबका पाखंड नजर आता है। जैसे ही मंदिर की बात आती है, सबकी आगे भी जाती है, क्योंकि वो जो दर्द था ना, जो अभी भी जो घाव है, उस पे नमक का नहीं, मिर्ची का पूरा डब्बा उड़ेल दिया जाता है जब भी राम मंदिर की बात होती है, अयोध्या की बात होती है। तो इनको ऐसे फील होता है कि कैसे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन की थी कि मुगल गए तो अंग्रेज आए, अंग्रेज गए तो वापस से मुस्लिमों का रूल होना था, कैसे हिंदुओं ने ले लिया, ये तो हमारा होना था। तू मेरे कागज देखना चाहता है? अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। चल बजड़ी के, समझ रहे हैं आप, ये माइंडसेट में है, वरना अकबरुद्दीन ये नहीं कहता। मेरे अजमत की निशानियां मौजूद है, मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर खड़ा चढ़ाता है, वो भी मेरे आबा अजदाद ने दिया है। कि ताजमहल हमारा, कुतुब मीनार हमारा, हम सब जाएंगे तो लेके जाएंगे, लाल किला हमारा, तुम्हारा कुछ नहीं है, लिखित मिलर तुम्हारा कुछ नहीं है, इस्लामिक आर्किटेक्चर जैसा कुछ नहीं होता, वरना ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी चीज़ें तुम्हारे अरब वर्ल्ड में क्यों नहीं है, पहली चीज़ उस टाइम एरा के हिसाब से। या चलो थोड़ा और स्पेसिफिक चले जाते हैं, उन लोगों के, उन इन्वेडर्स द्वारा जो यहाँ आए और सो कॉल्ड उन्होंने यहाँ बनाया, उन्होंने अपने ही देश में क्यों नहीं बनाया। खैर, मुझे अभी भी कोई कमेंट में अगर बताना चाहता है और कोई विरोध करना चाहता है कि मोदी जी के जाने से कोरोना कैसे फैल सकता है, ठीक है, मोदी जी के ना जाने से कोरोना कैसे रुक जाएगा, इन लोगों को इतनी चिंता क्यों है कि मोदी जी जा रहे हैं और उससे कोरोना के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। खैर, 5 तारीख को बहुत अच्छा दिन है, ये होना चाहिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करने दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा बोल्डली, ब्लेटेंटली इनको काउंटर किया करें, अच्छे सपोर्ट किया करें कि भाई आपका भी एक स्टैंड है, हमारा भी एक स्टैंड है, आप अपने स्टैंड पर टिके हैं तो हम अपने स्टैंड पर टिके हैं। तीसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक रफली डाटा दिया जाता है कि अराउंड 500 साल पहले मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई गई, उसके बाद हमने लिटरली अपने ही संविधान से लड़ के कोई चीज़ ली है, उससे भी उन लोगों को दिक्कत है जो हमेशा संविधान का हवाला देते रहते हैं, जो हर प्रोटेस्ट में किताब लेके आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मैं ये नहीं समझ रहा हूँ, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लाते हैं तब ये साइड में ना उसके कवर के अंदर अपनी किताब रखते हैं, क्योंकि इनकी किताब कहती है कि आप जिसका है रिलीजियस स्ट्रक्चर, ठीक है छेड़िए मत, एक हद तक, जब तक वो ज़कात दे रहा है, ज़िम्मी है वो आपके लिए, लेकिन आप अलग से बनवा नहीं सकते, आप बनाने में मैं मदद भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप मुशरिक हो जाएंगे। इवन इफ द नॉन मुस्लिम विल्स गिव अ वसीया, एज आई मेंशन अर्लियर दैट इफ मुस्लिम हैज अ ट्रीटी विद अ नॉन मुस्लिम एंड द नॉन मुस्लिम अग्रीज दैट ही कम्स अंडर द रूलरशिप ऑफ द मुस्लिम रूलर एंड ही साइन्स द कॉन्ट्रैक्ट, देन ही बिकम्स अ दिम्मी, ही बिकम्स अ नॉन मुस्लिम अंडर द रूल ऑफ अ मुस्लिम लॉ एंड देन
he pays a jizya. In that condition only, the Muslim ruler protects that house of worship, whether it be a temple or a church. But he cannot spend money even in renovation on it. He cannot spend money even in expanding it. And if a Muslim ruler expands place of house of worship of non-Muslim, there is full right to destroy that part which is expanded, even though he's a dhimmi. There is no permission for him to build a new temple or a new church for the non-Muslims. और ये सबसे बड़ा मूर्ति पूजा सबसे बड़ा सिन है आपके मजहब में, तो आप ना कॉन्स्टिट्यूशन के कवर के अंदर कुरान लेके चलते हैं, वरना आपको इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमें सही तरीके से मिला है। आप खुद इमेजिन करिए कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज, जितने अरब वर्ल्ड हैं, उन हर जगह मंदिर का बनना या फिर किसी भी नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर का बनना, हर वो चीज़ पे पूरी रोक है। एंड दैट्स द रीज़न, यू नो, देयर आर मुस्लिम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया वेयर इट्स नॉट परमिटेड टू बिल्ड एनी हाउस ऑफ वर्शिप ऑफ द नॉन मुस्लिम, एंड दिस इज इस्लाम, यू कैन नॉट। ठीक, तो अगर आप मेजॉरिटी में तो आप क्या कर रहे हैं और हम मेजॉरिटी में तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें फर्क है। एंड दिस इज इस्लाम सर, ये तो टट्टी है। उनको लेना होगा तो वो लड़ेंगे नहीं, वो सीधा आपसे लड़ेंगे, हथियारों से लड़ेंगे, समझ रहे। अगर इस्लामिक वर्ल्ड में किसी को अपना स्ट्रक्चर लेना होगा वापस, अपनी जमीन वापस लेनी होगी, तो आपके ऊपर सीधा वो सारी चीजें करेंगे, चाहे कानूनी कार्रवाई हो, चाहे आपको फिजिकल असॉल्ट हो। लेकिन यहां पे प्रोसीजर से हुआ तब भी आपकी आग लगी हुई है। इस चीज़ को फेस करिए कि आपका पाखंड हर जगह एक्सपोज हो रहा है, पूरा भारत देश आपको जान गया है। हर वो व्यक्ति, बच्चे से बच्चा हो, बड़े से बड़ा हो, आज वो मेरी मुंह से सुन ले कि तुम्हारा जो मुंह से जो झिझक निकलती है ना कि मंदिर बन जाए गलती से भी, तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्शन निकलता है, जो तुम्हारा रोना होता है, उससे तुम एक्सपोज हो चुके हो कि तुम्हें कितना भाईचारे की पड़ी है, कितना हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पड़ी है, कितना सेक्युलरिज्म है तुम्हारा, सब नज़र आता है, सब नज़र, और कितना कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार है, कितना डेमोक्रेसी से प्यार, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, लेकिन फिर भी एक चादर ओढ़े बैठे हो क्योंकि कुछ लोगों ने सेकुलरिज्म का ठेका ले लेके हम ही लोगों के बीच तुम्हें प्रोटेक्शन दे रखा है बस। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, डाटा ये है कि 40,000 के आसपास के मंदिर हैं, 30,000 से 40,000 के आसपास जो तोड़े गए हैं, और उनके ऊपर गुंबद लगा के मस्जिद बना दिया गया है, एक ओवरऑल डाटा है। और खैर, जानकारी के लिए बताऊँ, दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें भारत में हैं, 3 लाख के आसपास। तो थोड़ा सा शर्म करो यार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी देश को, इतनी बेशर्मी से रहोगे तो। जिस देश ने तुम्हें वो दिया जो दुनिया में किसी ने नहीं दिया, चाइना और अमेरिका में देख रहे हो क्या हालत है तुम्हारी, कपड़े उतरवा देते हैं, घुटन से भरी ज़िंदगी, और यहाँ जहाँ प्रेसिडेंट बनाते हैं, और खैर वो तो एक्सेप्शन है, वो आदमी, उनको तो भगवान की तरह पूजा जाता है, तुम्हें उसमें भी दिक्कत है कि उनको भगवान की तरह क्यों पूजा जाता है। खैर, भविष्य में कभी मुद्दा उठा तो मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि प्यार से मान जाना, प्यार से नहीं माने वो बचे हुए मंदिर देने के लिए, जो बस तीन की डिमांड है, मथुरा, काशी, अयोध्या। अयोध्या ले लिया, मथुरा काशी भी ऐसे लड़के ले लेंगे और मिल भी जाएगा। अगर इन दोनों तीनों में दिक्कत की तो 40,000 लेना पड़ जाएगा, और फिर देश का माहौल क्या होगा, कैसे देखा जाएगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, ये तब का तब देखा जाएगा, मुझे नहीं पता। मैं किसी खून खराबे वायलेंस की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, किसी को इतना भी पुश मत करो, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए, और जब पलट के वो तुमसे सवाल पूछे, जो कि सिचुएशन वही आ गई है, तो तुम्हारा पाखंड खतरे में पड़ जाए और तुम रोज़ सेकुलरिज्म का रोना रोने लग जाओ कि ये क्या हो गया 2014 के बाद हिंदुओं को। खैर, करते रहो, और तुमको पता है तुम्हारे इस रोने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, लिखित में ले लो। जय हिंद, वंदे मातरम। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.